लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं असगर वजाहत जी की कहानी। कई बार लगता है कि असगर वजाहत जी के यहाँ बिना व्यंग के कहानी संभव ही नहीं है, ऐसे कि जैसे व्यंग कहानी कला का अनिवार्य अंग है। उनकी कहानियों में चूंकि यथार्थ त्रासद है, इसलिए ऐसी स्थिति में व्यंग प्रभावी होता है, और यदि उसमें कॉमिकल तत्वों का प्रवेश हो जाए तो कहानी का यथार्थ हंसने और रोने के दरमियान आ जाता है। उनकी कहानियों का यथार्थ कुछ इन्हीं तरह के तत्वों और कला से निर्मित है जो उन्हें विशिष्ट कहानीकार बनाता है। जब उनसे उनकी कहानी पढ़ने की अनुमति के लिए मैसेज किया तो जो कहानियां पढ़ना चाहते थे और जो असल में कहानी पढ़ी वो अलग है। हम पढ़ रहे हैं उनकी 10 लघु कथाएं जिसका शीर्षक है खेल का बूढ़ा मैदान गुस्से में है। और ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी अभी ये अनाउंस हुआ कि IPL इस साल खेला जाएगा UAE में। तो सुनते हैं उनकी 10 लघु कथाएं खेल का बूढ़ा मैदान गुस्से में। पहली, स्टेडियम खचाखच भरा है। स्टार और सुपरस्टार से लेकर प्रधानमंत्री और उप राज्य मंत्री तक विराजमान है। आकाश और पताल में कैमरे लगे हुए हैं, पूरा देश सांस रोके खड़ा है। खेल विशेषज्ञ अभी खेले जाने वाले प्रीमियर लीग के मैच पर बहस कर रहे हैं। अंपायर विकेट लगाने आए, वे जब विकेट लगाने गए तो पता चला कि मैदान तो पत्थर का हो गया है। अंपायर किसी तरह विकेट लगाने में कामयाब ना हो सके, प्रीमियर लीग के मैनेजर भी विकेट ना लगा सके, टीमों के कप्तान भी हजार कोशिश करने के बाद भी विकेट ना लगा सके, तो क्या मैच नहीं होगा? 10,000 करोड़ रुपया दांव पर लगा है। स्पॉन्सर्स कहने लगे हम लोग लुट जाएंगे। टीम के मैनेजर और कप्तान कहने लगे मैच तो खेला ही जाना चाहिए। मीडिया ने कहा किसी भी कीमत पर मैच तो होना ही चाहिए। 5,000 करोड़ के विज्ञापन लाइन से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्या देर है, मैच शुरू करो। खेल का बूढ़ा मैदान दिल ही दिल हंस रहा था, विकेट लगाए बिना खेल कैसे हो सकता है। लेकिन खेल शुरू हो गया। संसार में पहली बार बिना विकेट लगाए क्रिकेट खेला जा रहा है। 2, खेल के मैदान में विज्ञापन फिल्म की शूटिंग हो रही है। शॉट बहुत आसान है। देश का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर गेंद फेंकता है, विश्व सुंदरी और देश की सुपरस्टार छक्का लगा देती है। उसके बाद कट होता है, फास्ट बॉलर का मुंह लटका हुआ है, सुंदरी उसे डोनूडे बबलगम देती है जिसे खाते ही फास्ट बॉलर। लेकिन ये आसान सा शॉट ओके ही नहीं हो रहा है क्योंकि सुंदरी को जब भी बॉल फेंकी जाती है बूढ़ा खेल का मैदान पिच पर आकर खड़ा हो जाता है। ओए ओए, इस बूढ़े को हटाने का है, क्या लफड़ा करता है, इसको कुछ देकर अलग करो, आज काम पूरा होने का है ना, डायरेक्टर ने कहा। ले बूढ़े ये लेने का है 50,000, अब हटने का है, हाँ हटने का है, नहीं हटा, ले 1,00,000, नहीं हटा, अरे 2,00,000 पकड़। सर ये बूढ़ा तो पिच से हटता ही नहीं। ओए बाबा, ऐसा आदमी नहीं देखा, 2,00,000 लेके नहीं हटता, चल अपन किसी और मैदान में चलेगा। 3, एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों की कटी फटी लाशें पड़ी हैं, कुछ हथियार बिखरे पड़े हैं जिन पर खून जमा हो गया है, खिलाड़ियों के सिर इधर उधर लुढ़क रहे हैं, कुछ बुरी तरह घायल हैं, कुछ कराह रहे हैं। आवाजें आ रही हैं, तोड़ दो किलेट, रौंद डालो, कर लो मुट्ठी में, रगड़ डालो, पटक दो, कमर की हड्डी तोड़ दो, नष्ट कर दो काम तमाम। लोगों ने देखा कि कंकाल उठकर खड़े हो गए, बिना सिर वाले बॉलिंग करने लगे, बिना हाथों वाले बैटिंग करने लगे, लोग तालियां बजा रहे थे। 4,
इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 का फाइनल नहीं खेला जा सका। मैच बहुत ही रोचक मोड़ पर था। सटोरिये दिल थामे बैठे थे, करोड़ों दर्शक अपने टीवी सेटों से मक्खी की तरह चिपक गए थे, मीडिया पूरी तरह चौकस था, खिलाड़ी जान की बाजी लगाए दे रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। पर ये पानी की बारिश नहीं थी, सोने के सिक्के बरस रहे थे। खेल रुक गया, खिलाड़ियों ने सिक्के बटोरना शुरू कर दिया, फिर एक नया खेल शुरू हो गया कि कौन सी टीम ज्यादा सिक्के जमा कर लेती है। 5 पिच पर राकेश सामंत खड़ा है, बूढ़ा मैदान उसे जानता है, महाराष्ट्र की टीम में रणजी ट्रॉफी का अच्छा बैट्समैन है। पिछले साल उसने यूपी के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद नेशनल में आ गया है। पिच पर राकेश सामंत खड़ा है, पवेलियन में उसके पिता हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वह जानता है माताजी घर में बिस्तर पर लेटी भजन गुनगुना रही होंगी और सामने टीवी स्क्रीन पर उसे देख रही होंगी। उसकी बहन अपनी सहेलियों के साथ उसे एक टक देख रही होगी। पिच पर राकेश सामंत खड़ा है, कोच इतना टेंस है कि पत्थर हो चुका है। उसे मालूम है अगर राकेश सामंत इस इनिंग में हाफ सेंचुरी बना लेता है तो वह 1.5 करोड़ में बिकेगा और कोच को 35% ट्रेनिंग चार्ज मिलेगा। पिच पर राकेश सामंत खड़ा है, इस मैच के बाद उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली विशाल कंपनी के सीईओ बैठे हैं, विज्ञापन एजेंसी के एमडी भी मौजूद हैं। अभी राकेश सामंत के रेट का फैसला होने जा रहा है। पिच पर राकेश सामंत खड़ा है और नेशनल प्रीमियर लीग में उसकी बोली घट बढ़ रही है। ये चौका लगाया, अब 1.5 करोड़ का पैकेज, ये बॉल मिस कर दी 50 लाख कम कर दो, ये छक्का, धड़ 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 दिल नहीं धड़क रहे हैं बल्कि अरबों खरबों उगलने वाली मशीनों के विशालकाय इंजन सांस रोके खड़े हैं। एक एक पल भारी है, हो सकता है करोड़ों हॉर्स पावर के इंजन दौड़ने लगें या हो सकता है गहरी सांस छोड़कर धरती को बंजर बना दें। राकेश सावंत पिच पर खड़ा है, बॉलर दौड़ता हुआ आता है, बॉल फेंकता है, राकेश सावंत जोर से हिट करता है, बॉल आसमान में ऊपर की तरफ उठती है, उसके साथ हाथ में बैट पकड़े राकेश सावंत भी बॉल के साथ उड़ रहा है। उसे सब देखते हैं, वह आसमान में ओझल हो जाता है, उसे कैच करने वाले आसमान को ताकते रह जाते हैं। कुछ देर बाद बैट और बॉल नीचे गिर जाते हैं लेकिन राकेश सावंत को कोई कैच नहीं कर पाता। 6 एक दिन सुबह जब खिलाड़ी वगैरह खेल के मैदान में आए तो उन्होंने देखा कि मैदान तो पूरी झील बना हुआ है, पानी ही पानी है। रात में बारिश भी नहीं हुई थी, तब इतना कहां से आ गया? कल ही तो यहां खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, बोलियां लगी थी, खिलाड़ी बन संवर कर आए थे, तब तो यहां एक बूंद पानी नहीं था, आज कहां से आ गया? बूढ़ा मैदान बोला, मैं रोया हूं, माफ करो मैं रोया हूं, लेकिन जानता हूं खेल तो होना ही होना है। मैं अपने आंसू पोंछ ले रहा हूं, खेल शुरू हो गया। 7 रात में एक लड़का अपने स्कूल बैग लिए आया और बूढ़े मैदान के सीने पर पटक दिया। ये क्या बेटा, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे? बूढ़े मैदान ने 6वीं क्लास के लड़के से पूछा। लड़का कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में सपने थे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं समझाते? बूढ़े मैदान ने पूछा। लड़का कुछ नहीं बोला, स्कूल बैग से निकालकर किताबें फेंकने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो, ज्ञान शिक्षा? बूढ़ा बोला। लड़का कुछ नहीं बोला, खड़ा हो गया और अकड़ने लगा, उसका कद लंबा होने लगा। ये तुम क्या? बूढ़ा बोला। U19 50 लाख, नेशनल टीम 1 करोड़, लीग में बोली 4 करोड़। फिर लड़का फटी किताबें फाड़कर फेंकने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा?
उन लोगों के मुंह पर ये किताबें फेंक रहा हूं जिन्होंने मुझे ये दी थी। 8, क्रिकेट के पुराने और अनुभवी खिलाड़ी रवि सिंह को यह सोचकर अपने माता पिता पर गुस्सा आया कि उन्होंने समय से पहले ही उन्हें क्यों पैदा कर दिया था। रवि अपने माता पिता के पास गए और बोले, मैं फिर से पैदा होना चाहता हूँ। पिता ने कहा, मैं तो मर चुका हूँ, पहले मुझे जीवित करो। रवि सिंह अंडर 19 टीम के सिलेक्टर के पास गए, उसने रवि सिंह के पिता को जिंदा कर दिया। तुम्हारी माता कहाँ है, पिता ने पूछा। वे तो आपके बाद ही चल बसी थी। तो अब आप चिंता ना करें, हम इसका इंतजाम कर देंगे, एक विज्ञापन एजेंसी के सीईओ ने रवि सिंह के पिता से कहा। माता जी आ गईं, अब शादी कैसे हो, विज्ञापन वालों ने शादी करा दी, अब अस्पताल का खर्च, लीग वालों ने वो भी दे दिया। रवि सिंह पुनः पैदा हुए और अच्छा हुआ कि 18 साल के ही पैदा हुए, पैदा होते ही अंडर 19 में आ गए। 9, देश की क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बन गई, पूरा देश शैंपेन में नहाने लगा, टेलीविजन चैनलों से शैंपेन बहने लगी, समाचार पत्रों के पहले पन्नों पर शैंपेन की बारिश होने लगी, खेल के सभी मैदान शैंपेन से तर हो गए, चारों तरफ उत्सव का माहौल बन गया, हर तरफ से बधाइयों के संदेश आने लगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के स्पीकर, विरोधी दल के नेता, सबने टीम को बधाई संदेश भेजे, पूरा देश क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पागल हो गया, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान छूने लगा। देश के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ से प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, श्रीमान आपको देश की क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? नेता ने कहा, क्रिकेट के कप्तान और खिलाड़ियों का सबसे बड़ा गुण यह है कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है। 10, और ओवर की आखिरी बॉल पर हमारे कप्तान ने छक्का उड़ा दिया, पूरा स्टेडियम और पूरा देश झूम उठा, हम विश्व विजेता बन गए। एक बॉल पर 4 रन बनाए थे, राष्ट्रपति कार्यालय से तुरंत बधाई का संदेश आया, प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया, BCCI ने हर टीम के सदस्य को 5-5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया, फिक्की ने हर मेंबर को रोल्स रॉयस देने की घोषणा कर दी, हर राज्य ने अपने यहाँ के खिलाड़ी को जो टीम में शामिल था आलीशान कोठी देने का ऐलान कर दिया, एक जोहरी ने हर खिलाड़ी को 1-1 कोहिनूर देने की घोषणा कर दी, TTC ने हर खिलाड़ी को 1-1 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में देने का ऐलान किया, सभी चैनलों ने अपने सब प्रोग्राम बंद कर दिए और टीम को कवरेज देने लगे, देश के सभी अखबारों ने कोई भी दूसरी खबर ना छापकर सिर्फ टीम के विश्व विजेता बन जाने की खबर छापी, देश के हर शहर में विजय जुलूस निकले। टीम के कप्तान से एक रिपोर्टर ने खेल के मैदान में पूछा, आपको कैसा लग रहा है? जी मैं सच बताऊं, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहें तो कैमरा ऑफ कर दूं। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हाँ डर, पर क्यों? इसलिए कि अगले साल हम वर्ल्ड कप हार गए तो क्या होगा? खेल के मैदान की आंख से एक आंसू निकलकर विजय उत्सव में शामिल हो गया।